आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इट इज द पार्ट ऑफ सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल एज पर द आरजीबी यूनिवर्सिटी। द फर्स्ट यूनिट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और आपको एक ओवरव्यू देंगे इस पूरे फर्स्ट यूनिट का। बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पीपीसी इज ए टूल विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेट द अवेलेबल रिसोर्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन द प्री डिफाइंड सेट ऑब्जेक्टिव्स। इट हेल्प्स टू अचीव अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू प्रोडक्शन लाइन बाई मेकिंग अवेलेबल द मटेरियल एट राइट टाइम एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी। दैट मीन्स राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट कॉस्ट, राइट टाइम डिलीवरी, ड्यू टाइम डिलीवरी इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इट हैज वेरियस प्रोडक्शन सिस्टम लाइक जॉब प्रोडक्शन सिस्टम, मास प्रोडक्शन सिस्टम, बैच प्रोडक्शन सिस्टम एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम कैन बी कंपेयर टू द नर्वस सिस्टम। माइंड का जो सिस्टम्स होते हैं, देयर आर सो मेनी न्यूरॉन्स। पीपीसी एज ए ब्रेन। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन, जो भी प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट, डिलीवरी टाइम, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फ्लो इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर्स वेरी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। अगेन टू हेल्प द कंपनी टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस एट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपीसी। इट हेल्प्स इन मटेरियल प्लानिंग कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल एंड क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, परचेजिंग कितना परचेज करना है, कब परचेज करना है, क्यों परचेज करना है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल दैट विल बी डिस्कस्ड इन योर सेकेंड यूनिट इन डिटेल, कैपेसिटी प्लानिंग, शेड्यूलिंग ऑफ द मशीन, मैन मशीन मटेरियल, WIP इन्वेंट्री कंट्रोल वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज द आइटम्स बिटवीन टू मशीन्स, कोऑर्डिनेट कस्टमर ऑर्डर्स, कस्टमर कब ऑर्डर किया, कब डिलीवरी करना है, एंड लास्ट वन इज द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री कंट्रोल। दिस इज द इनपुट आउटपुट मॉडल दैट यू कैन सी। इनपुट में बहुत सारा आइटम्स हो सकता है और आउटपुट में जनरली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और अदरवाइज वेस्ट। कुछ एक्शन ऑफ फेजेस, पहला फेज है प्लानिंग फेज, एक्शन फेज एंड कंट्रोल फेज। आपको सबसे पहले प्लानिंग करना है, देन यू हैव टू टेक एक्शन एंड ओवरऑल यू हैव टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हेल्प्स यू टू मेंटेन द क्वालिटी एट द डिजायर्ड स्पीड्स विद एफिशिएंसी विद इन द। दिस इज ए जनरल फ्रेमवर्क दैट इज ए रिसोर्स प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डिमांड मैनेजमेंट, हाउ दीज ऑल दीज आर कनेक्टेड। रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग, डिटेल्ड कैपेसिटी प्लानिंग, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, डिटेल्ड मटेरियल प्लानिंग, मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लानिंग, शॉप फ्लोर सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। देर आर बेसिकली फाइव प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वी विल डिस्कस वन बाई वन, दैट इज द प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप। दीज आर द पैरामीटर्स फॉर पीपीसी। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है, एलिमेंट्स ऑफ द पीपीसी, इसी को बोलते हैं मटेरियल, मेथड, एस्टिमेट्स दैट इज द प्लानिंग, मशीन एंड इक्विपमेंट्स, प्रोसेस प्लानिंग, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, एक्सपीडाइटिंग, इंस्पेक्शन एंड इवेल्युएशन। अब हम लोग एक एक करके टॉपिक पे आएंगे। प्लानिंग, बेसिकली प्लानिंग इज द डिसीजन मेड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू इट। बेसिकली प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो। बेसिकली इफ यू फेल टू प्लान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में वह एस्टिमेट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहा है, तो उसको सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। इफ यू फेल टू प्लान, यदि प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुआ, यू आर प्लानिंग टू फेल। दैट मीन्स
कि यदि प्लानिंग ही गड़बड़ हो गई तो आपका फेल्योर निश्चित है। बेसिकली टू टाइप्स की प्लानिंग होती है, प्रायर प्लानिंग और एक्टिव प्लानिंग। प्रायर मतलब कि पूरी तरह से पहले ही, और दूसरा होता है कि हम इन बिटवीन करते जाते हैं, जब जैसा सिचुएशन आता है उस तरह से करते जाते हैं। प्रायर प्लानिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, जब प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं उस समय विथ प्रोडक्ट फीचर, फोरकास्टिंग पहले कर लेते हैं। एग्रीगेट प्लानिंग विच एम्स टू फाइंड आउट ए प्रोडक्ट वाइज प्लानिंग ओवर द इंटरमीडिएट प्लानिंग होराइजन। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग उसी तरह से दूसरा प्लानिंग है, एक्टिव प्लानिंग। एक्टिव प्लानिंग के अंदर क्या क्या है, प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग, किस प्रोसेस को कब करना है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। मटेरियल प्लानिंग, टूल्स प्लानिंग, इट डिटरमाइंस रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस टूल्स दैट इज यूज्ड इन आवर इंडस्ट्री फॉर द मशीनिंग पर्पज। जैसे कोई मशीन का कोई टूल टूट गया उस समय, या कुछ रिपेयर वर्क आ गया, तो आपके पास स्पेयर पार्ट में ऑलरेडी होना चाहिए, दैट इज द एक्टिव प्लानिंग। लोडिंग, किस मशीन पे कौन सा जॉब बनेगा, कौन सा व्यक्ति उस चीज को बनाएगा। शेड्यूलिंग, इट इज द टाइम फेज ऑफ लोडिंग एंड डिटरमाइंस व्हेन एंड व्हाट सीक्वेंस वर्क विल बी। नेक्स्ट वन इज द रूटिंग। बेसिकली रूटिंग क्या है, इट इज द सीक्वेंस दैट डिस्क्राइब द पाथ, कि किस किस पाथ से होकर के वह हमारा प्रोसेस ओवरऑल जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि फिनिशिंग रूम, स्टोर रूम, 1 से 2, 3, अगेन 1, 2, 1, 2 इज द प्रोसेस, द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड हियर, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे आकर के आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। द रूटिंग में बी डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ पाथ विच ईच पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल फॉलो वाइल बींग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश प्रोडक्ट्स। इसका फॉर इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफ वेल मैनेज इंडस्ट्री विद स्टैंडर्ड कंडीशन द रूटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू हैव द बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अवेलेबल प्लांट कैपेसिटी। दस रूटिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलो अप। जो भी आप काम करेंगे बहुत कुछ रूटिंग पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने सीक्वेंस कैसे बनाया है और कौन सा प्रोसेस किस डिपेंडेंट है। उसी तरह से एक रूट शीट बनाते हैं जिसमें कि हम लोग कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं। प्रोडक्शन रेट, पीस पर आवर, एक पीस जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा हमारा, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, कितना नंबर ऑफ ऑपरेटर्स लगेगा, कितना मशीन लगेगा, व्हाट विल बी द लेबर रेट, कॉस्ट पर पार्ट्स, टोटल कॉस्ट दैट मीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, ये हम लोग पूरा इस रूट सीट। रूटीन के लिए जो एक ट्रेडिशनल है, आजकल ये हाईटेक कंपनीज हैं तो सब कुछ सॉफ्टवेयर से होता है, लेकिन फिर भी पहले होता था ये रूट कार्ड बनाते थे जो एक पोस्ट कार्ड की तरह होता था, और उससे हम लोग एक वर्कर से दूसरे वर्कर, दूसरे से तीसरे, इस तरह से पास करते थे। वर्कशीट बनाते थे जो आज भी हम लोग बनाते हैं। उसी तरह से रूट शीट, सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन, मूव ऑर्डर कि कब कौन सा प्रोसेस। उसी तरह से आपका शेड्यूलिंग, प्रिस्क्राइबिंग व्हेन एंड वेयर ईच ऑपरेशन नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज टू बी परफॉर्म, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टाइम एट विच टू बिगिन एंड कंप्लीट ईच एक्टिविटी, वह कब शुरू होगा, कब कंप्लीट होगा। कोई भी काम करते हैं यू हैव टू फिक्स ए डेट, ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना की तरह चलते जाएगा, यू हैव टू फिक्स द डेट। प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग, यू हैव टू हैव द ऑप्टिमम टास्क साइज, दैट मीन्स टास्क साइज मतलब कितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं उस ड्यूरेशन के तहत। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान एंड ऑप्टिमम, दो तरह का शेड्यूलिंग होता है, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग एंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग दैट मीन्स की बॉटम टू टॉप अप्रोच इसको बोलते हैं, और बैकवर्ड शेड्यूलिंग को बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। ये जो है वेयर कस्टमर्स प्लेस देयर ऑर्डर और नीडेड एज सून एज पॉसिबल बेसिस। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग इज सिंपल टू यूज एंड इट गेट्स जॉब्स डन इन शॉर्टर लीड टाइम्स कंपेयर टू बैकवर्ड शेड्यूलिंग। हम लोग आगे आगे करते जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कल जो काम होने वाला है उसकी शेड्यूलिंग आज कर लेंगे, ठीक है ना, परसों जो होने वाला है उसका कल कर लेंगे। लेकिन बैकवर्ड शेड्यूलिंग में टॉप टू बटन लास्ट असेंबली से शुरू करते हैं, हम लोग
बैक फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में कहाँ से शुरू करते हैं, आइटम से शुरू करेंगे और कंप्लीट असेंबली पे जाके खत्म होगा। इसमें उल्टा होता है बैकवर्ड में कि असेंबली से शुरू करेंगे, असेंबली ही पहले हम लोग उसकी डिजाइनिंग तैयार करेंगे और उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग आइटम बनाते हैं, उसके दिमाग में रख तैयार करते हैं। ये आप एक देख सकते हैं सिंपल डायग्राम, यहाँ से रॉ मटेरियल आया, ऑपरेशन हुआ, देन फाइनल असेंबली। जबकि बैकवर्ड शेड्यूलिंग में फाइनल असेंबली से लेकर के हम लोग रॉ मटेरियल डिस्पैचिंग, प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन मोशन थ्रू रिलीज ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, इट ऑथोराइजेज द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग मटेरियल्स कंपोनेंट्स टूल्स फिक्सचर एंड इंस्ट्रक्शन शीट टू दी ऑपरेटर। क्योंकि ऑपरेटर को आपको सब कुछ देना पड़ेगा, फिक्सचर्स टूल्स रूट शीट, उसको कैसे करना है क्या करना है पूरा डिटेल आपको बताना पड़ेगा, और आपको रॉ मटेरियल्स भी उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, दैट इज दी डिस्पैचिंग। अनदर पार्ट ऑफ डिस्पैचिंग इज कि वंस यू गेट योर प्रोडक्ट फिनिश्ड देन यू हैव टू डिलीवर इट टू द रिक्वायर्ड डीलर और कस्टमर। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉलो अप। फॉलो अप, इंडिया में कोई भी काम बिना फॉलो अप का होगा ही नहीं, जब तक दो चार बार आप बोलेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। तो फॉलो अप आपको हेल्प करता है कि वह प्रोसेस क्या है काम, प्रोग्रेस क्या है काम का। काम का हम हर एक पॉइंट पे प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं कि वेदर इट इज गोइंग विद आवर शेड्यूलिंग डिस्पैचिंग रूट शीट अकॉर्डिंगली और नॉट। जहाँ भी अपने को दिक्कत होता है वहीं पे आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोटलनेक, जहाँ प्रॉब्लम आया जिस कारण से डिले हो रहा है या कोई इंटरप्शन हो रहा है, ठीक ना, तो उसको आपको ठीक करना है ड्यू टू फॉलो अप। आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप फिर इमिडिएट फर्दर कोई नोटिस लेंगे या किसी को आप बताएंगे कि ये काम करना है। एक्शन प्लान में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको करेक्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट इज द टॉपिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फोरकास्टिंग मेथड। फोरकास्टिंग मेथड में आप ध्यान दीजिए कौन कौन सा मेथड्स है। देर आर सो मेनी मेथड्स बट बेसिकली देर आर टू मेथड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव के दो, क्वांटिटेटिव दैट रिक्वायर्स डाटा। इसमें दो मेथड होता है बेसिकली, कैजुअल मेथड, टाइम सीरीज मेथड। इसमें फिर से आप देखेंगे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मेथड्स टाइम सीरीज एनालिसिस में है, जिसको कि हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, और एक वेटेड मूविंग एवरेज होता है जो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन सिंपल रिग्रेशन बहुत कम यूज होता है। दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव मेथड, इसमें एक्चुअल डाटा नहीं रहता है, हम लोग बाई सर्वे या लाइफ साइकिल एनालिसिस से, या डेल्फी मेथड जिसमें कि हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, कोई हिस्टोरिकल आपके पास कहानी है उस कहानी से भी आप ले सकते हैं, कंज्यूमर्स से आप फीडबैक लेकर के, कुछ मार्केट में फर्स्ट टाइम आप जा करके डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हैं जो रिटेलर्स हैं कि कितनी प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है। ठीक, क्वालिटेटिव मेथड्स को आप देखिए, तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव ओपिनियन लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ए ग्रुप ऑफ मैनेजर्स मीट एंड कम अप विद द फोरकास्ट, गुड फॉर स्ट्रेटेजिक और न्यू प्रोडक्ट फोरकास्टिंग। वीकनेस क्या है, वन पर्सन ओपिनियन कैन डोमिनेट दी फोरकास्ट, दो चार व्यक्ति ओपिनियन ले लिया तो क्या वही सब कुछ सही हो गया क्या। मार्केट रिसर्च, इट इज अप टू सम एक्सटेंट इट इज गुड। ए सर्वे या इंटरव्यू हम लोग लेते हैं मार्केट में डायरेक्ट, इट इज वेरी गुड बिकॉज वी प्रिफर द कस्टमर, बट इट कैन बी डिफिकल्ट टू डेवलप ए गुड क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर कौन डेवलप करेगा, अगेन यू विल नीड टू गो इन टू द मार्केट टू अगेन डेवलप द क्वेश्चनायर, दैट मीन्स यू विल नीड टू गो टू टाइम्स इन टू द मार्केट फॉर दिस मार्केट रिसर्च। डेल्फी मेथड, सिक्स टू डेवलप ए कंसेंसस अमंग ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। बहुत सारे ग्रुप हैं, 10 15 20 जो भी है ग्रुप, उनके अंदर से कुछ दो चार एक्सपर्ट को लेकर के हम लोग एक टीम बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्फी मेथड। इट इज वेरी एक्सीलेंट फॉरकास्टिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट डिमांड, टेक्नोलॉजिकल डिमांड, इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू डेवलप। इसमें थोड़ा सा इसको न्यू प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं। जो हम लोग का क्वांटिटेटिव अप्रोच था फॉरकास्टिंग का, उसमें तीन चार हम लोग देखे थे, सिंपल एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड एंड रिग्रेशन एनालिसिस मेथड्स।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन इंपॉर्टेंट है, सैंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल। दिस इज द टाइम सीरीज पैटर्न कि कोई सीजनल डिमांड है या साइकिल है तो कैसे टाइम के साथ जो है क्वांटिटी वेरी कर रहा है, या कोई दूसरे तरह का है हॉरिजॉन्टल पैटर्न तो ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का वेरिएशन ज़्यादा हो सकता है, एंड दिस इज बेसिकली रेंडम, कैसे जा रहा है किसी को नहीं पता है, तो मार्केट के कंडीशन सकता है। ये सिंपल एवरेज है कि जो भी डिमांड्स दिया हुआ है आपको उसको तीनों को जोड़ करके एवरेज कर देते हैं। जबकि सिंपल मूविंग एवरेज में आप देखेंगे कि उस 5 पीरियड रहता है, जैसे यहाँ पे कोई आपका 4-5 मंथ का दिया हुआ है, जून तक का दिया हुआ है, और जुलाई का चाहिए आपको, तो ये हो सकता है कि 3 पीरियड मूविंग एवरेज मेथड आपको दे क्वेश्चन में, या 5 मूविंग पीरियड दो, तो 3 पीरियड देगा तो कोई भी लास्ट 3 वाले को, जैसे अब 3 को छोड़ करके चौथे से निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, 20, 30, 40 प्लस डिवाइडेड बाई 3, यदि 5 मूविंग एवरेज मेथड है तो 5 को जोड़ करके 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स के 60 तक को जोड़ करके आप 20 प्लस 30, 40, 60, 45 को जोड़ करके डिवाइडेड बाई 5, तो आपका जो जुलाई का आ गया तो जुलाई का 29 यूनिट्स आ गया। 3 पीरियड से आप देखेंगे तो ये 3 बार आपको निकालना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा ये 4th वाले के लिए, फिर 5th वाले के लिए, फिर 6th का निकालेंगे, दैट विल गिव यू दिस 3 पीरियड। अनदर इज वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द सिंपल मूविंग एवरेज। इसमें सिर्फ ये होता है कि हर फैक्टर को जो डिमांड आपका है उसको एक वेट फैक्टर दे देंगे, वेट फैक्टर हमेशा 0 to 1 के बीच में होता है, और इसमें भी यही 3 पीरियड या 5 पीरियड देगा। यदि 3 पीरियड देगा तो उसमें 3 वेट देगा, तो क्या वो 3 डिमांड लेना रहता है, 5 पीरियड देगा तो उसमें 5 वेट फैक्टर देगा, तो 5 लेना रहता है, निकाल सकते हैं। तीसरा और लास्ट है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में 3 पीरियड और 5 पीरियड का कोई झंझट नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट दिया रहेगा अल्फा, अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा, ए इज बेसिकली हियर डिमांड, है ना, डिमांड, और 1 माइनस अल्फा इज एकेन, अल्फा इज एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट, FT इज लास्ट फोरकास्ट, इस तरह से करके आप नेक्स्ट फोरकास्ट निकाल सकते हैं। हायर अल्फा वैल्यूज में प्लेस टू मच वेट ऑन लास्ट पीरियड रेंडम वेरिएशन, जितना एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट ज़्यादा होगा मतलब वह क्रिटिकल डिमांडेबल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे, दैट इज द ब्रेक इवन एनालिसिस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस इम्प्लाई दैट एट सम पॉइंट इन द ऑपरेशन टोटल रेवेन्यू इक्वल्स, जैसे कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो एक पॉइंट जहाँ पे हमको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। आप कोई भी बिजनेस करते हैं सबसे पहले आप सोचते हैं कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वह पहले निकल करके बाहर आ जाए, या जो रनिंग कॉस्ट है वह हमारा निकलते रहे, हमको घर से नहीं लगाना पड़े, तो वह कौन सा पॉइंट है वह हम लोग निकालते हैं। तो बेसिकली हम लोग निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी आपका खर्च हुआ उसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, तो आप देख लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट मीन्स कि वह मार्केट में पर यूनिट कितना सेल हो रहा है, और उसके एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है, तो हम लोग लिखते हैं F/S-V, जो हमने क्लास में भी पूरी तरह से डिस्कस किया है। ये ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड अगेन फिक्स्ड कॉस्ट अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकलता है देख लीजिए, टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपन सेल्स, और ये फिक्स्ड कॉस्ट तो ऊपर है ही, इस तरह से आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। ये आपको सभी डाटा दिए रहे, आप ग्राफ देख लीजिए कि यह आपका क्या लाइन कौन सा जा रहा है, ये लाइन जो है आपका किसका है, फिक्स्ड कॉस्ट का, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। अब आपको क्या निकालना रहता है, ये वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो ऑलरेडी आपका इन्वॉल्व है। उसके बाद अब अपना रेवेन्यू निकालते हैं, ये रेवेन्यू कहाँ से शुरू होगा, जीरो से, ये रेवेन्यू, ठीक है, अब ये रेवेन्यू और इस जो वेरिएबल कॉस्ट और इस रेवेन्यू के बीच का है वह प्रॉफिट है,
और इधर जो है आप जो देख रहे हैं ये क्या है आपका लॉस है। तो एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे जीरो पॉइंट बोलते हैं इसको, हम लोग का ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। तो मिनिमम ये पॉइंट आपको कोई बिजनेस रन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप बहुत दिन तक लॉस में आप किसी बिजनेस को नहीं चला सकते। ये जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है राइट साइड में और ये सेल्स रेवेन्यू है, इसके बीच एक एंगल बना सकते हैं अपन, बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो ब्रेक इवन पॉइंट और वेरिएबल कॉस्ट का बीच का जो मार्जिन रहता है या जो मनी रहता है उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, क्योंकि आप जब बिजनेस करते हैं तो कुछ सेफ कंडीशन के लिए चलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सेफ मार्जिन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैंट चार्ट और कैपेसिटी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। गैंट चार्ट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रोसेस होते रहता है आप देखेंगे, तो सारे प्रोसेस किसी प्रोजेक्ट में, कोई जब हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत सारे आपके एक्टिविटीज हो सकते हैं और बहुत सारे मशीन्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं कि यह प्रोसेस, ये टाइम ड्यूरेशन है आपका, जैसे किसी एक मंथ का 1st to 31st तक जा सकता है, और ये जो है एक सिंगल प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक ना, सेकेंड प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद आपका फोर्थ प्रोसेस शुरू होगा कब, जब सेकेंड प्रोसेस शुरू होगा। इस तरह से आप सारे प्रोसेस को और इवन मशीन को, मैन मशीन एंड प्रोसेस, मैन मशीन मेथड, तीनों चीज को आप प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लॉट किया गया है कि फर्स्ट प्रोसेस है रेड कलर वाला, फिर ये हल्का जो डिम लाइट कलर है वह किसके लिए होगा, आपके मशीन के लिए हो गया। इस तरह से किस प्रोसेस में कौन सा मशीन लग रहा है आप निकाल सकते हैं, और यहाँ आकर के टोटल आपका टाइम ड्यूरेशन निकल जाएगा कि कितना टोटल टाइम ड्यूरेशन। यहाँ देखिए यही गैंट चार्ट यहाँ पे डिटेल में दिखाए हैं कि ये किस तरह से गैंट चार्ट आपका रिसोर्सेस, कोई दो जॉब है, जॉब ऑर्डर एक व्हाइट कलर से एक ग्रे कलर से अलग अलग है, दोनों एक साथ हो रहा है, तो आपको यहाँ पे गैप मिलता है, उससे आपको मालूम चल जाता है। ये देखिए ये थोड़ा सा पुअर है, ये फेयर है, ये इनफिजिबल है, क्योंकि यहाँ देखिए क्लैशिंग हो रहा है दोनों, आप देखेंगे इसलिए यहाँ लिखा हुआ इनफिजिबल। आप एक ही मशीन पे दो प्रोसेस रन नहीं कर सकते हैं एट ए टाइम, तो ये जो है इनफिजिबल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये सब फिजिबल है, क्योंकि यहाँ से ये एक प्रोसेस हुआ, ये दूसरा इंडिपेंडेंट है, फिर दूसरा शुरू हुआ, तीसरा शुरू हुआ, दैट मीन्स देयर इज नो बेसिकली क्लैशिंग, दैट मीन्स क्लैशिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकता एट ए टाइम। यहाँ पे आप देख लीजिए फिजिबल, यहाँ से ये यह गया, ये इसके बाद यहाँ स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा प्रोसेस, आप कहीं भी देख लीजिए क्लैशिंग, देयर इज नो क्लैशिंग एट ऑल। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ एवर इट मे बी द लास्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट इज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटी डायरेक्टेड टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो देर आर सो मैनी एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इट मे बी दी रिसोर्सेस, इवेंट, एक्टिविटीज, बजट, टाइम ड्यूरेशन, रिसोर्सेस, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को एलिमेंट, फिर उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे उसकी शेड्यूलिंग, दैट मीन्स कि हर एक एक्टिविटी को आपको क्या करना है, एक टाइम ड्यूरेशन देना है, ताकि एक ओवरऑल प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन आप निकाल सके कि टोटल बनाने में कितना टाइम लगेगा। इसके लिए हमारे पास बहुत सारा मेथड है, जैसे गैंट चार्ट मेथड देखे आप, शेड्यूल नेटवर्क एनालिसिस, क्रिटिकल पाथ मेथड, पर्ट प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, शेड्यूल कंपेरिजन, रिस्क मल्टीप्लायर। लेकिन अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे गैंट चार्ट हम लोग पढ़ लिए, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड पर्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये नेटवर्क टेक्निक है कि बहुत सारे आपके प्रोसेस दिए रहेंगे, एक्टिविटी, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। डिपेंडेंट कहे तो जो प्रोसेस यहाँ पे होगा, इस एरो को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, एक्टिविटी, और ये वन और टू क्या हो गया, इवेंट, और इसी को
इवेंट को ही नोड भी बोलते हैं। तो जो प्रोसेस टू तब स्टार्ट आप कर पाएंगे जब वन कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो वन को हम लोग बोलते हैं प्रीडिसेसर एक्टिविटी और टू को बोलते हैं सक्सेसर एक्टिविटी। तो यहाँ पे ए जो है, ए के लिए कोई प्रीडिसेसर नहीं है, लेकिन बी की हम यदि बात करेंगे, बी प्रोसेस के लिए एक्टिविटी ए जो है, ये एक्टिविटी क्या हो गया प्रीडिसेसर, और ये जो डी है वो क्या हो गया सक्सेसर। इस तरह से आप सी के लिए देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो है आपका एक्टिविटी हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक्टिविटी को लेकर के, और आपको नेटवर्क ड्रॉ करते आना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक डमी एक्टिविटी होता है, ठीक है ना, द एक्टिविटी विच डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम ड्यूरेशन एंड रिसोर्सेस बट इट इज हाउएवर डिपेंडेंट रिलेटेड, ठीक है ना, ये डमी एक्टिविटी है आपका। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट आपको बता दें, जब भी नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तो कोई भी एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा और कर्व लाइन कहीं नहीं बनेगा, आपको कोशिश करना है कि हमेशा एक परफेक्ट एरो बने। दूसरा मेथड, डिटेल मेथड जो हम लोग देख रहे थे सीपीएम, इट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, ये सिंगल एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी टाइम, इट इज है डिटर्मिनिस्टिक टाइम, इसका यूज हम लोग करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में फॉर द जॉब ऑफ रिपीटेटिव नेचर वेयर द एक्टिविटी टाइम एस्टिमेट्स कैन बी प्रेडिक्टेड विद कंसिडरेबल सर्टेनिटी ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। पार्ट में क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम एस्टिमेट्स रहता है जो अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, और ये प्रोबेबिलिस्टिक टाइम रहता है, ये यूनिक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में इसका यूज करते हैं, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या कहीं डैम बना रहे थे, एक बार आप डैम बना दिए दोबारा वहीं पे डैम नहीं बनेगा। पर्ट का बता रहे थे, उसमें तीन तरह का टाइम होता है, एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम जिसको मीन टाइम भी बोलते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है एस्टिमेट द ड्यूरेशन अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन पॉजिटिविटी, पेसिमिस्टिक टाइम टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग निगेटिव, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीपीएम का वह अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि पर्ट में आपका ये देख रहे हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से, टी एम हमेशा ज़्यादा होगा, टी जीरो और टी पी एवरेज होगा। आपका मीन टाइम, सॉरी एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन निकालने के लिए फार्मूला है टी नट, दैट मीन्स टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस फोर इंटू टी मोस्ट लाइकली एंड टी पी पेसिमिस्टिक टाइम, दिस इज द वेरियंस। आप वेरियंस निकाल सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, टी पी माइनस टी नट अपन सिक्स का होल है। अब हम लोग एक सी पी एम का फॉर्मूला निकालते हैं, देखिए ये एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर एक्टिविटी, इससे हम लोग करते हैं क्या है नेटवर्क बना लिए, नेटवर्क बनाने के बाद सबमिट, ये ए एक्टिविटी है, डी एक्टिविटी है, एफ है, ई है, जो भी है, अच्छे से आप समझ लीजिए इसको कैसे हम बना रहे हैं, और इसमें नेटवर्क ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपको यहाँ पे निकालना है, इसे इस टेबल पे भी निकाल सकते हैं, टेबल में जब निकालते हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को इंडिपेंडेंट मान करके निकालते हैं, जबकि इसमें आप डायरेक्ट यदि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको फ्लोट या स्लैक निकालने के लिए आपको एक लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाना है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मैक्सिमम वाला वैल्यू लेते हैं, और राइट टू लेफ्ट जब जाएंगे तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ई टी, ई कितना हो जाएगा सेवन, यहाँ पे ई कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए ये जो 20 है ये दो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी और ई के ऊपर। जब हम इस रास्ते से आ रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है सेवन प्लस 15, ये एल वाले को इधर नहीं देखना है, जब हम राइट साइड में जा रहे हैं एल को नहीं देखना है, तो ये 7 प्लस 15 22 हो रहा है, जबकि इधर से जब आ रहे हैं तो 17 हो रहा है, तो मैक्सिमम कौन सा है 22 ले लिए, ये आपका 12 का 12 आ गया। फिर यहाँ पे आप 30 पे ध्यान दीजिए कि दो तरफ से आपका प्रोसेस आ रहा है, एक एच से और जी से, जब जी की तरफ से आ रहा है तो 22 प्लस 8 कितना हो रहा है 30, और ये 12 प्लस 11 कितना हो रहा है 21, मैक्सिमम कौन सा है 30, इसको ले लिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दो तरफ से प्रोसेस आ रहा है, ठीक है ना, तो ये 27 प्लस 10
37 हो रहा है और ये 30 + 10 = 40, मैक्सिमम कौन सा है वो ले लिए। इस तरह से लेते लेते हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे आप पहुँच गए वहाँ पे 45 पे, ठीक है ना। यहाँ पे जब पहुँच गए तो ये 50 निकला, जो ये स्टार्ट टाइम निकला वही आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम भी हो जाएगा। अब हम लोग उल्टा चलते हैं, जब ये 50 निकाल लिए तब हम 40 पे चलेंगे। ये 50 - 7 कितना हो जाएगा, 43, ठीक ना। फिर ध्यान दीजिए 45 के बाद 35 यहाँ चलेंगे तो ये भी इंडिपेंडेंट है, तो 50 - 10 कितना हो जाएगा, 40, कोई डाउट। उसके बाद ध्यान दीजिए 25 पे, और 25 पे जा रहे थे देर आर टू एरो फ्रॉम 35 एंड 45। जब 35 से देखते हैं तो 40 - 10 कितना हो गया, 30, और इधर से 50 - 15 कितना हो गया, 35। तो दो वैल्यू निकला, 30 और 35। तो आप देखिए कि मिनिमम कौन सा है, क्योंकि बता चुके हैं कि राइट से लेफ्ट के साइड चलेंगे, राइट से लेफ्ट के साइड चलेंगे तो आपको मिनिमम लेना है, ठीक है। उसी तरह से आप ध्यान दीजिए इस 20 पे, ठीक है ना। 20 पे जब हम ये 30 से आ रहे हैं तो 30 पे कितना है एल का वैल्यू, 30, तो 30 से इधर 8 जाएगा तो 22, ठीक ना। जबकि ये 25 से यदि हम लेते हैं तो ये 30 है, या 30 से 5 जाएगा 25, तो मिनिमम कौन सा है, 22। आइए एक और देख लेते हैं आपका, ये 10, ठीक ना। तो 10 में आप देखेंगे तो दो तरफ से आ रहा है, डी से और ई से। तो डी से आप देखेंगे तो 30 से 9 गया, 30 से 9 गया, तो कितना बचा यहाँ पे आपका 21। और जबकि 20 से जा रहे हैं हम यही 10 पे, कितना हो रहा है, 22 - 15 = 7, तो मिनिमम कौन सा है, 21 की 7, तो 7, तो 7 हम ले लिए। उसी तरह से जैसे 5 पे आप देखिए तीन तरफ से आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, तो हर एल में से ये आपको एक्टिविटी ड्यूरेशन घटाना है। 19 - 12 = 7 आ गया, 22 - 17 = 5 आ गया, और 7 - 7 = 0 आ गया। तो मिनिमम कौन सा है, 0, आप निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल पाथ, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन तो यहाँ निकल गया 50। अब ये स्लैक या फ्लोट जिसको बोलते हैं, आप देख लीजिए जो ई और एल जो सब में लिखे हैं कहाँ कहाँ पे डिफरेंस 0 आ रहा है, यू हैव टू टेक दी पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक ना। तो देखिए ये 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, फिर अगेन 0 आ रहा है, फिर यहाँ 0 नहीं आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, सॉरी ये भी 0 आ रहा है, ठीक ना। तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये 0 से ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, अगेन ये 0 आया, फिर ये ऐसे गया, दैट मीन्स ये आ गया। तो प्रोसेस ध्यान दीजिए एक्टिविटी क्या हो रहा है, ए ए ई जी के और दिस विल बी योर क्रिटिकल पाथ। इसको जनरली रेड लाइन से या आप डबल लाइन से इसको खींच दीजिए, ठीक ना, इंडिकेट करने के लिए कि हाँ यही क्रिटिकल पाथ है। इस तरह से आप क्रिटिकल पाथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं और टाइम ड्यूरेशन भी निकाल सकते हैं। ये टेबल भी बनाना है आपको, टेबल हमेशा इंडिपेंडेंट मानकर। उसी तरह से आपको पर्ट में बनाना है, तो पर्ट में क्या रहेगा कि सेम नेटवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे सिर्फ वेरी करेगा कि टी ऑप्टिमिस्टिक, टी मोस्ट लाइकली एंड टी पेसिमिस्टिक, ये तीनों टाइम आपको दिया रहेगा। तो इन तीनों का एवरेज हम बता चुके हैं फॉर्मूला से, इन एवरेज से आप निकाल लीजिएगा क्या, टी एक्टिविटी ड्यूरेशन। एक्टिविटी ड्यूरेशन निकल गया, तो जैसे क्रिटिकल पाथ में आप देखे थे उसी तरह से, क्रिटिकल पाथ में आप देखे थे उसी तरह से, ठीक यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिख लेंगे टी निकाल करके। जैसे यहाँ पे निकला है 9 5.33 14 10 4.5, जो जितना आया उसको लिख लेंगे, और सेम उसी मेथड से जो मेथड आप अप्लाई किए थे कहाँ पे, क्रिटिकल पाथ मेथड में, वही मेथड यहाँ पे लगा करके आप क्या निकाल लेंगे, क्रिटिकल पाथ निकाल लेंगे और टाइम ड्यूरेशन निकाल लेंगे। उसके अलावा कई बार वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने देता है, तो आप निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं, लेकिन ये जनरली नहीं देगा। एक लास्ट ध्यान दीजिए कि क्रैश टाइम, क्रैशिंग। क्रैशिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए देते हैं या ऑर्डर देते हैं, तो जनरली आप देखेंगे कि यदि आप जल्दबाजी में हैं तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो
तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता है वैसे वैसे टाइम घटता है। लेकिन एक तो समय आएगा कि आप किसी काम के लिए कितना भी पैसा दे दें, लेकिन काम एक तो मिनिमम टाइम लेगा, जो मिनिमम टाइम लेगा उससे आप नहीं घटा सकते हैं। जैसे आप किसी टेलर को शर्ट सिलने के लिए देते हैं तो नॉर्मल टाइम में 5 दिन में देता है, लेकिन आप उससे जिद करें कि भाई 2 दिन में ही दे दो, तो बोलेगा कि भाई साहब पैसा तो आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम दूसरा काम छोड़ करके ये काम करेंगे, ठीक ना। तो आप बोलते हैं कि ठीक है भाई 500 की जगह 1000 ले लो, लेकिन 2 दिन में दे दो। फिर कोई आपका दोस्त बोलता है कि नहीं, आप तो 1000 नहीं, आप तो 10000 ले लो, लेकिन अभी 1 घंटे में दे दो। क्या दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो वह टाइम क्या है कि कॉस्ट बढ़ाने से कितना टाइम घट सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रैशिंग टाइम या क्रैश कॉस्ट उसको बोलते हैं। तो ये क्रैश टाइम और ये क्रैश कॉस्ट, इससे ज़्यादा आप ना पैसा दे पाएंगे और ना वो टाइम। पैसा देंगे भी तो वो टाइम उतना तो मिनिमम लेगा ही लेगा। तो ये था हमारा का पूरा टॉपिक, आपका आरजीबीवी का ये हमने कवर किया है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम इन्वेंट्री कंट्रोल देखेंगे। तो अभी आपने प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा देखा, आपने शेड्यूलिंग देखा, फोरकास्टिंग देखा, और इम्पोर्टेंट जो आपके पार्ट्स हैं वो हमने सीपीएम पार्ट में कवर कर दिया। अब आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और इसको बहुत ध्यान से देख करके, ये ओवरव्यू है आपके लिए, इसको अच्छे से याद कीजिए, बार बार देखिए, ताकि आपको रिमाइंड होते रहे, रिवीजन होते रहे। आपका बहुत बहुत